स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण के YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, लेकिन जो जरूरी चीज एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आप पीडी की मैगजीन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है कि रेपो के रेट में 6वीं बार वृद्धि कर दी गई है। चलिए जानते हैं, रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया है। इससे पहले आरबीआई ने 2022 में 5 मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठकों में 2.25% रेपो रेट बढ़ाया था। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे, चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए, आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद सरकारी निजी बैंक से लेकर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देंगे, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि जो ईएमआई है वो भी बढ़ जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसे उधार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक ये रहा हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी गई और इस पर 4800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अब इसके तहत क्या होगा, चलिए वो जान लेते हैं। दरअसल चीन की सीमा के साथ सटे भारत में गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें कौन कौन से गांव शामिल है, चलिए वो जान लेते हैं। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2,966 गांव में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत। इसके अलावा ये कार्यक्रम मॉडर्न एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग होगा और केंद्र सरकार इसका खर्चा वहन करेगी। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि 2022-23 में देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन। फसल वर्ष 2022-23 में कृषिगत उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय ने 14 फरवरी 2023 को जारी किए। दूसरे अग्रिम अनुमानों में अब रबी व खरीफ दोनों उपजों के अनुमान शामिल किए गए हैं। दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर 323 से लेकर 55 मिलियन टन रहने का कृषि मंत्रालय का यह आकलन है। जो खाद्यान्न में शामिल है वो गेहूं, चावल, जौ, मक्का का उत्पादन जहां रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है, तो वहीं अन्य उपज जैसे चना, तिलहन, रेपसीड, सरसों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। ये सभी उत्पादन इन उपजों के विगत 5 वर्षों में प्राप्त किए गए औसत उत्पादन की तुलना में कहीं ज्यादा है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक ये है कि पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। 13वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में अब भेज दी गई है। देखिए, 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 16,800 करोड़ रुपए सीधे पहुंच गई है। ये रकम प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपए के रूप में ट्रांसफर होती है। केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 से चला रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि कार्यों में इस्तेमाल के लिए हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि किसानों को साल भर में 3 बार दी जाती है, 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है ये राशि 2,000 रुपए करके। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये रहा कि वायरलेस मोबाइल फोन सेवा बाजार में निजी क्षेत्र की ज्यादा हिस्सेदारी बताई जा रही है उसका। यहाँ पे ये चार्ट आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि जो रिलायंस की हिस्सेदारी है वो 37.14 है। उसके बाद आपका भारतीय एयरटेल आता है, फिर वोडाफोन आइडिया आता है। जो सबसे कम है वो रिलायंस कम्युनिकेशन का है, 0.00 है ही नहीं एक तरीके से, ये अंदाजा आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर MTNL की बात करें तो 0.24 है। तो चलिए जान लेते हैं, ये सारा जो डाटा है वो ट्राई जारी करता है, तो ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, ये ट्राई ने आंकड़ा दिया है, तो ट्राई क्या कहता है चलिए देखते हैं। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 के अंत में मोबाइल, यानी कि मोबाइल एक वायरलेस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, फोन सेवा बाजार में सर्वाधिक 37 से 14% हिस्सेदारी रिलायंस जियो की थी। आप ये चार्ट देख सकते हैं, जबकि 32 से 16% हिस्सेदारी के साथ भारतीय एयरटेल का इसमें दूसरा स्थान है। ये चार्ट दिख रहा है इसमें आपको, दूसरे स्थान पर भारतीय एयरटेल है आपका और पहले स्थान पर 37.14 के साथ ये आपका रिलायंस जियो है।
दिसंबर 2022 के अंत में वायरलेस फोन सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 9.58% थी, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 90.42% थी। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका देख सकते हैं कि सिर्फ 9.58, लेकिन अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो 90.42%। ये ट्राई के मुताबिक जो आंकड़े जारी किए गए। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। ये आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का आपको पूरा ऐसे ही उसमें एक सेक्शन मिल जाएगा, उसमें आपको हर छोटी से बड़ी जानकारी मिल जाएगी। ये सब चार्ट मिल जाएंगे जो शायद आपको वीडियो में ना मिल पाए, वो आपको हर जानकारी मैगजीन में मिल जाएगी। तो इसलिए प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा पीडी की वेबसाइट पर विजिट करें।